हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोयम ब्यूटी, उसकी समरी हनी सर्कल बुक ग्रेड 6 से। इस पोयम को लिखा है ई ये श्योर ने। दिस पोयम इज रिटन बाय ई ये श्योर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ब्यूटी इज एवरीवेयर एंड एवरीवन, एवरीवेयर हैज ब्यूटी। पोएट के अनुसार जो ब्यूटी यानी जो सुंदरता होती है, जो खूबसूरती होती है, वो चारों तरफ है। हर एक के पास सुंदरता होती है, हर तरफ होती है। द रियल ब्यूटी कैन बी सीन इन द सनलाइट, ट्रीज एंड बर्ड्स। अब वो जो ब्यूटी है उसे वो कहाँ कहाँ महसूस करते हैं, यानी वैसे आप कह सकते हो कि हर तरफ ब्यूटी है, हर चीज में ब्यूटी है, लेकिन अब जो पोएट हैं उनको जो एक रियल ब्यूटी है वो नेचर में दिखती है। नेचर में कहाँ, जैसे सूरज की किरणों में, पेड़ों में, चिड़ियों में, इन कॉर्न ग्रोइंग यानी जो मक्के की फसल है उसमें भी उनको खूबसूरती दिखती है। आप कभी मक्के की फसल में जाओ, वहां आपको इतने सुंदर लगेंगे गोल्डन कॉर्न्स जो हैं लदे हुए, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन उसके बीच में जो उनकी लीव्स हैं, तो देखने में कितना सुंदर लगता है। पीपल वर्किंग और पीपल डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट। जब फसल पक जाती है तो लोग किस तरह से झूम कर नाचते हैं, लोग जब खेतों में काम करते हैं, ये भी अपने आप में सब एक खूबसूरती है। The poet does not agree with the traditional thinking about beauty. Poet जो है इस बात पे विश्वास नहीं करते, जो लोग हमेशा ब्यूटी यानी सुंदरता को लेकर जो उनकी एक विचारधारा है उसको वो विश्वास नहीं करते। उनके लिए जो सही मायने में ब्यूटी है वो हर तरफ है और खासतौर से नेचर में तो बहुत ज्यादा है। Now the poet is talking about how beauty cannot be only seen but it can be heard as well. अब poet बताते हैं कि ये जो सुंदरता है इसे हम खाली ऐसा नहीं कि देख सकते हैं, बल्कि हम इसको सुन भी सकते हैं, हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। कैसे, यानी ब्यूटी जो है उसे देखा ही नहीं बल्कि सुना भी जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हर, द ब्यूटी कैन बी हर्ड एट नाइट व्हेन द विंड ब्रीज एंड व्हेन द रेन फॉल्स एंड व्हेन द सिंग इन फायर सिंग्स इन द अर्नेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। अब पोएट के अनुसार जो ब्यूटी है वो रात में भी होती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है उसकी जो आवाज है उसमें भी एक अलग, जैसे कहते हैं ना, खूबसूरती है। जब बारिश गिरती है तो जो बारिश की बूंदें हैं उनकी जो गिरने की आवाज होती है वो भी एक अलग खूबसूरती देती है। इसी तरह से जो सिंगर होता है जब वो बिल्कुल अपने दिल से गाता है तो उसके वो जो दिल से गाने में जो एक धुन निकलती है, एक जो मधुरता निकलती है, वो भी एक तरह की खूबसूरती है। तो पोएट ये कहते हैं कि जो ब्यूटी होती है उसे खाली देखा ही नहीं जा सकता बल्कि उसे सुना भी जा सकता है। फॉर द पोएट द ब्यूटी लाइज इन आवर सेल्स। अब फिर पोएट बोलते हैं कि ये जो सुंदरता है ये हमारे खुद के अंदर होती है, इन गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स विच आर रिपीटेड इन अवर ड्रीम्स एंड इन अवर वर्क एंड इवन इन अवर रेस्ट। पोएट के अनुसार ये जो खूबसूरती है ये हमारी अपने अंदर भी होती है। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपने आप में एक बहुत ज्यादा सुकून महसूस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी खूबसूरती है कि हम अच्छा काम कर पाते हैं। हैप्पी थॉट्स विच आर रिपीटेड इन अवर ड्रीम्स। अगर हमारे मन में कुछ अच्छे ख्याल आ रहे हैं जो हमें खुशी देते हैं तो वो जो हमारे ख्याल है वो हमारे सपनों में भी आते हैं, उसमें भी हमारी एक अलग ही खूबसूरती होती है। जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम आराम करते होते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं हमको एक अंदर से खूबसूरत बनाता है। तो जो पोएट है उनका ये मानना है कि जो ब्यूटी है वो सब में है, सब तरफ है, और जहां देखो आपको ब्यूटी ही ब्यूटी नजर आएगी। सिर्फ आपकी आंखें जो हैं वैसी होनी चाहिए कि आप उस सुंदरता को पहचान सको, उस सुंदरता को महसूस कर सको। जैसे कि ये पोएट कर रहे हैं नेचर में, वो खाली ये भी नहीं कह रहे कि खाली ब्यूटी देखने वाली है, वो ये कह रहे हैं ब्यूटी सुनने की भी होती है। तो ये थी हमारी समरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसाम एजुकेशन। बाय।